अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों आज एक बार फिर हाजिर हुआ हूँ एक नई और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। आज की वीडियो में आपको बताऊंगा कि आप किस तरह अपने सब्सक्राइबर हाइड कर सकते हैं, शो कर सकते हैं, और हाइड करने से आपको क्या फ़ायदा मिलेगा और शो करने से आपको क्या नुकसान मिलेगा। तो सबसे पहले दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए और बेल आइकन पर ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप सबको मिल सके। दोस्तों चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। सबसे पहले मैं अपने चैनल पर आपको ले और आपको बताता हूं कि मैंने अपने सब्सक्राइबर शो किए हुए हैं या नहीं। तो दोस्तों आप देख सकते हैं ये मेरा चैनल है और मैं इस पे काम करता हूं, और आप देख सकते हैं मैंने अपने सब्सक्राइबर जो हैं हाइड करके रखे हुए हैं। मैंने इसलिए हाइड करके रखे हुए हैं, अगर आप नए यूट्यूबर हैं तो आपको चाहिए कि आप अपने सब्सक्राइबर हाइड करें, क्योंकि जब आप नया नया चैनल बनाते हैं तो आपके चैनल पे जब कोई आता है, व्यूअर्स आता है, तो जब वो नया चैनल देखता है आके सब्सक्राइबर देखता है तो सब्सक्राइबर कम होते हैं या वीडियो की क्वालिटी अच्छी नहीं होती, तो फिर वो सोचता है ये लो कंटेंट बना रहा है या इसकी क्वालिटी अच्छी नहीं वीडियो की, जिसकी वजह से इसके सब्सक्राइबर नहीं है या व्यूज़ नहीं आ रहे। तो एक ही दफ़ा आपके चैनल पर आएगा, उसके बाद वो कभी भी आपके चैनल पर नहीं आएगा। तो दोस्तों मैं आपको सजेस्ट करता हूँ कि आप मेरी तरह अपने चैनल, अगर आप न्यू क्रिएटर हैं, यूट्यूब पर नया चैनल है आपका, तो आप अपने सब्सक्राइबर जो है वो हाइड करें। और हाइड करने से ये होगा कि आपके चैनल पे जो भी आएगा तो उसको ये चीज़, इस चीज़ का इलम नहीं होगा कि आपके चैनल न्यू है या ओल्ड है। तो दोस्तों मैं अब आपको बताऊंगा किस तरह आपने अपने सब्सक्राइबर हाइड करने हैं। तो दोस्तों चलते हैं अपने क्रोम ब्राउज़र की तरफ। मैं अपने क्रोम ब्राउज़र में चलता हूँ, मैंने पहले से सेटिंग ओपन करके रखी है। आपने सर्च कर लेना है गूगल यूट्यूब ऑडियो लाइब्रेरी। जब आप ये सर्च करेंगे तो उसके बाद ये इस तरह की आपके पास आ जाएगा आइकन ऑडियो लाइब्रेरी का। तो आपने यहाँ पे आपने चले जाना है नीचे, ये सेटिंग का ऑप्शन है, इस पर क्लिक कर देना है। इस पर जब आप क्लिक करेंगे तो सेटिंग आपके सामने शो हो जाएगी। इसमें आपको फर्स्ट ऑप्शन पे जनरल, दूसरे नंबर पे चैनल पे आपने क्लिक कर देना है। चैनल पे क्लिक करते ही यहाँ पे सेकंड ऑप्शन ऊपर आपने क्लिक कर देना है एडवांस सेटिंग पे, ठीक है। जब आप इस पे सेलेक्ट करेंगे तो आपके पास ये नीचे ऑप्शन आएगा सब्सक्राइबर काउंट का, इसको अगर आप क्लिक कर देते हैं आप देख सकते हैं, पढ़ भी सकते हैं, डिस्प्ले द नंबर ऑफ पीपल सब्सक्राइब टू माय चैनल। तो इस पे अगर आप क्लिक करते हैं तो यहाँ से आप सेव करेंगे तो आपके सब्सक्राइबर जो है वो शो हो जाएंगे। अब मैं आपको बताता हूँ अपने चैनल पर चल के कि मेरे कितने सब्सक्राइबर हैं और शो हो गए, और आप देख सकते हैं मेरे सब्सक्राइबर शो हो गए। अब मैंने सब्सक्राइबर अपने हाइड करने, तो किस तरह, इसी तरह आपने सेटिंग के ऑप्शन पर क्लिक करना है। सेटिंग के ऑप्शन पे क्लिक करते ही चैनल पे क्लिक करना है। चैनल पे क्लिक करते ही आपने एडवांस सेटिंग पे क्लिक कर देना है। एडवांस सेटिंग पे क्लिक करते ही आपने नीचे ऑप्शन पे चले जाना है और यहाँ से सब्सक्राइबर काउंट को जो है ना, यहाँ से ऑप्शन को क्लोज़ कर देना है और यहाँ से सेव कर लेना है। मैं यहाँ से सेव कर लेता हूँ और ये सेव हो चुके हैं। अब मैं आपको वापस अपने चैनल पे ले चलता हूँ और आप देख सकते हैं मेरे सब्सक्राइबर जो हैं हाइड हो गए। तो उम्मीद है दोस्तों आपको वीडियो पसंद आएगी। न्यू टेक के हवाले से वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और नीचे वीडियो के नीचे प्यारा सा कमेंट कर दीजिए ताकि मेरी हौसला अफजाई हो सके। तो इंशाल्लाह दोस्तों फिर हाजिर हूँगा एक नई और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।